पढ़ने नहीं, सीखने चलो, आज नहीं कल बदलने चलो, चलो न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी चलो। आधुनिक शिक्षा तकनीकों से बच्चे बनेंगे स्मार्ट। न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी के साथ बदले अपने बच्चों का भविष्य। नए सत्र के लिए मुफ्त नामांकन। साथी अनुपम जी को दरभंगा जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से हम इसलिए विशेष धन्यवाद देंगे। इसमें धन बल का रोल है जो कि हमारे पक्ष में नहीं है। क्षमा प्रार्थी इसीलिए है कि समय विलंब हो रहा था तो हमने कुछ मुख्य वक्ताओं से अपना बात प्रारंभ करा दिया है और हम कहे थे कि जब आएंगे तब विधिवत उद्घाटन होगा तो हमारे अभी सीटू के साथ ही मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। ही विल कंटिन्यू। हमारा उद्देश्य कि आम जनता तक, आम मजदूर तक सरकार की इन नीतियों को उजागर करना है और उनके पीछे की उनकी राजनीति क्या है इसको उजागर करना है। इस बात को जब तक हम नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा वो हड़ताल हमारे सफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नीतियों को बदलने का बात नहीं करेंगे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर नहीं जा सकते, नहीं उसमें परिवर्तन कर सकते। फलस्वरूप आप देखें कि जिस दिन ये चुनाव का परिणाम आया, पहला घोषणा किया गया कि हम 100 दिनों के अंदर में श्रम सुधार, जो कि आप सभी भी गए अंदर मेजोरिटी है, प्राप्ति होगा। हमें यह जानना होगा और हमें जानना ही नहीं होगा, हर मजदूर के पास इस बात को ले जाना होगा कि आखिर वो कोर्ट कहता क्या है। वेज को लाया, 5 कानून को खत्म किया, 15 कानून को खत्म किया, प्लस एक्चुअल जो है जो अब हम आग्रह करते हैं कॉमरेड डीएम त्रिवेदी जो हमारे आज की कन्वेंशन क्या है क्या? आज ये दरभंगा के अंदर तमाम मजदूर संगठनों, किसानों, सेवा संघ और मेहनत कश आवाम से जुड़े तमाम घटक दलों का ये कन्वेंशन है, जिसमें खास तौर से आज के दिन में जो भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो स्टूडेंट्स विरोधी नीतियां हैं, जो अन्य पब्लिक सेक्टर हैं, उस पब्लिक सेक्टर के खिलाफ जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ, और एक छद्म राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश को जलाया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को अलग से गृह मंत्रालय के द्वारा, सूचना मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। अभी एक हफ्ते में दो दो बार एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप ऐसा कुछ अपने मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाएं जो देश की अखंडता के विरुद्ध हो, यानी आप रियल पिक्चर को नहीं दिखाएं। एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड सर्विस एसोसिएशन के द्वारा जिला स्तरीय कॉन्वेंशन किया जा रहा है। आज के इस कॉन्वेंशन में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं विभिन्न स्वतंत्र फेडरेशन के साथी उपस्थित हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली के 30 सितंबर 2019 में ट्रेड यूनियनों का जो कॉन्वेंशन हुआ था, उस कॉन्वेंशन में ये तय हुआ था
किस जिस तरह से केंद्र की सरकार नित नए नए योजनाओं के तहत श्रमिक वर्ग पर, मजदूर वर्गों पर, देश के कामगारों पर, देश के जनहित के मुद्दों पर जिस तरह से हमले कर रही है, उन हमलों का प्रतिकार अब अकेले अकेले संगठन के लोग नहीं कर सकते हैं। क्या आपका क्या कहना है आज के लिए? ये आज जो कन्वेंशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर मजदूरों के जो लोकतांत्रिक अधिकार थे, जीने का अधिकार, मोदी सरकार एक सीरीज उस पर हमला कर रही है। श्रम कानून को 4 के 46 श्रम कानून थी उसको 4 के दायरे में बांट रही है, और जो पेंशन नीति है उस नीति को समाप्त करके जो ठेका नीति है, हम लोग कह रहे हैं कि ठेका नीति बंद करिए, अस्थाई बहाली की व्यवस्था करिए, और देश में जब तक अस्थाई बहाली नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा।